यहाँ पे देख सकते हैं त्रिशाखा मधु आ चुके हैं और जो एक्टर्स हैं और अभी अंदर जा रही हैं घर पे, आप देख सकते हैं घर में। और अभी अंदर जा रही है, अंदर से लौटने वाला वहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पे ये ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ पे कुछ बोलना है ना कोई, बस इतना बोलना चाहूंगी आप सबको इनके फैमिली के साथ रहना चाहिए। और समस्त बहुत लोग गलत गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए जिनके घर से गए हैं ना उनको पता है, तो बस इतना चाहूंगी आप लोग सारे। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूँ आकांक्षा दुबे, जो वर्धाम उनका घर है वहाँ पे, ये मेरे पीछे देखेंगे उनका ये घर है। और जैसा कि अभी पता चला है कि भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस जो है त्रिशाखा मधु अभी यहाँ आने वाली है। लगभग कितने टाइम में आएंगी ये नहीं पता है एग्जैक्ट टाइम, और जैसे ही आती हैं हम आपको डायरेक्ट मिलाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बात करने की भी कोशिश करता हूँ और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। तो देखते हैं, लगभग 1-2-3-4 घंटे जो भी लगेंगे मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ नज़र, और इनके यहाँ पे गांव के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी पत्रकार भी आए हैं, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों अभी अंदर त्रिशाखा मधु अंदर गई हैं और जैसे ही बाहर आती हैं वैसे हम आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं गांव के लोग भी काफ़ी ज़ोरदार हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे ये ऐसा माहौल नहीं है कि यहाँ पे कुछ बोलना है ना कोई, बस इतना बोलना चाहूंगी आप सबको इनके फैमिली के साथ रहना चाहिए। और समस्त बहुत लोग गलत गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए जिनके घर से गए हैं ना उनको पता है, तो बस इतना चाहूंगी आप लोग सारे। देखिए मैं हाथ में रहिए, आप लोगों का जब तक लड़ रहे हैं तब तक आत्मा तभी शांति मिलेगा जब उसको न्याय मिलेगा। बस ये इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास। और जैसे आप लोग प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि हम जब देखिए अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला है ना कुछ इसका हल पता चला है, बस जल्दी से जल्दी इसका हल पता चले। और अगर यहाँ पे नहीं होगा तो इसका CBI जांच होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आई और आप आकर के उनके परिवार वालों से मिली, उसी तरीके से और भी जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, उन लोग को भी आना चाहिए कि नहीं आने से? ये तो अपने ऊपर, फिर ये अगर हम लोग घर परिवार किस लिए बोलते हैं, अगर सुख में साथ नहीं है तो दुख में साथ होना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस आप लोग साथ में पूरा लगे। आपको क्या लगता है मामला क्या है? देखिए अब तो ये कानून बताएंगे ना कि न्याय मिलना चाहिए। और अगर पाप कभी बाप होता है तो बस उनको जिनको सजा मिलना है वो मिल जाएगा। आपके अनुसार क्या है कि मर्डर है या सुसाइड? देखिए अगर एक व्यक्तिगत चीजों से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग सारे लोग जान रहे, दिखने से नहीं लग रहा है कि वो आत्महत्या है, वो हत्या लग रहा है। अब जो है अब मीडिया बताएगा। मैम समर सिंह के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैम समर सिंह, हम इन लोगों को पर्सनली नहीं जानते, मैं नहीं बोलूंगी। मैं एक लड़की होने के नाते मैं इनके घर पे आई हूँ। अगर मेरे माँ के साथ भी होता था इतना ही दर्द होता है। देखिए अभी लड़की है, बाकी जो भी आकांक्षा दुबे की बात बोली हूँ ना, फैमिली है तो फैमिली को साथ में रहना चाहिए। देख सकते हैं और पूरी तरीके से जो है रिश्ते अभी ये जा रही है दुख उनकी मम्मी से मिलके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ रही है, ये देख सकते हैं इनके माँ से मिलती जुलती आ चुकी है। आप देखिए और इन्होंने अच्छी बात भी कही। दोस्तों ये देख सकते हैं तस्वीरें, काफी यारे प्रयास करते हैं और ये साइड उसकी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इनके सपोर्ट में आकांक्षा सिंह भी आई और दूसरी ये मधु भी आई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनकी गाड़ी आप देख पा रहा हूँ, हम ये देख सकते हैं, ये दोस्तों देख सकते हैं। जी 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 एकदम साथ में रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। चलिए 2 मिनट के लिए टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों ये देख सकते हैं इनकी गाड़ी निकल चुकी है, और ये देख सकते हैं इनकी गाड़ी निकल रही है। आप देख सकते हैं इनकी माँ से मिलके दुख में शामिल हुआ और ये जा रही है इनकी त्रिशाखा मधु जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं सकते हैं त्रिशाखा जो मधु है उनके माता जी से मिलके, और उनकी गाड़ी निकल चुकी है। और काफ़ी बोला भी कुछ, उन्होंने सवाल भी किया कि जो इनके अपराधी उसको सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और मैं भी यही आप यही सब लोग चाहते हैं कि जितना हो सके जो अपराधी उसका सजा मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो करता हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।